कानपुर में प्लास्टिक मुक्त संगठन द्वारा प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमलवानी वरुण ने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की अपील करी है। विशिष्ट अतिथि विधायक महेश द्विवेदी ने कहा है कि प्लास्टिक से आम जनता के साथ ही पशुओं की जान पर भी आफत बन जाती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी ने आए सभी लोगों को 2 अक्टूबर को शास्त्री नगर में निकलने वाली रैली में पहुंचने का आह्वान किया। मेरा तो शुरू से ही ये था कि प्लास्टिक को होना ही नहीं चाहिए था, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आज उसको व्यापक रूप में इस अभियान को लिया गया। हम सब इससे बहुत प्रसन्न हैं और ये आगे चलकर ही खत्म ही हो जाएगा। आप लोगों ने कहा था कि इसका मतलब जहाँ से बनता है वहाँ पे कैसे इसको, तो जब तक वहाँ से ब्रेक नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है। और जन जागरण तो हो ही रहा है, लेकिन अब जन जागरण कितना हो रहा है ये तुम लोगों के सामने ही है। इसलिए हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं कि प्लास्टिक कम से कम प्रयोग किया जाए। आज प्लास्टिक मुक्त संगठन द्वारा एक परिचर्चा की, प्लास्टिक से हम कैसे समाज और देश को मुक्ति दिलाएं, इस पर एक परिचर्चा हुई और काफ़ी अच्छी परिचर्चा हुई। इस परिचर्चा में एक चीज़ जो निकल के आई वो एक बहुत अहम बात है कि जो गलती हमने प्लास्टिक के रूप में अपनाई है उसकी गलती हमारी आने वाली पीढ़ी ना ले। चर्चा हुई, हमारे मोदी जी ने जो आह्वान किया प्लास्टिक मुक्त कराने का, उस पर पूरी चर्चा हुई और हम लोग सभी व्यापारी वर्ग जितने हैं वो सारे लोग उस प्लास्टिक का पूरा मोदी जी का बातों का संकल्प लेकर के सारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी उस चीज़ को के अंदर प्लास्टिक को मना कर दें चलाने के लिए। प्लस मोदी जी के जो सारी चीज़ें हैं, हम लोगों के प्रति मोदी जी ने जो भावना रखी कि प्लास्टिक खत्म हो जाए, तो हम सारे व्यापारी मिल करके उसका पूरा निर्णय लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सकेगा बहुत संख्या में लेकर इसको खत्म करना है। उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी और भारतीय मुस्लिम विकास परिषद द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राम बारात के अवसर पर झांकियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।